तो हेलो भाई और बहनों, आज की हमारी इस वाली वीडियो में देखो, आज की वीडियो जो थोड़ी सी यूनिक बनने वाली है, जहाँ पर ना देखो GTA 6 के बारे में ही बात करूँगा। जहाँ पर ना देखो GTA 6 जो है आने वाली है, आने के बाद जो उसकी कुछ हेडिंग डिटेल और कुछ डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि वो गेम जो कैसा रहने वाला है। जहाँ पर ना देखो GTA 5 में क्या रहता है कि किसी भी गाड़ी को आप चुरा लेते हो, और देखो इसमें ना आपको मिशन दिए जाते हैं और कुछ टास्क दिए जाते हैं। जहाँ पर देखो एक ओपन वर्ल्ड गेम है GTA 6, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट GTA 6 में क्या रहने वाला है कि देखो सब कुछ ना इस वाली वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो भाई और बहनों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उतना काम करते थे चलो कमेंट जरूर करके जाना भाई की वीडियो में। जहाँ अपना देखो रेगुलरली ऐसी वीडियो आती रहती है यूट्यूब चैनल विपुल गेमर्स में, तो उतना जरूर ट्राई करना जो कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो जो है ऑसम बनने वाली है। तो देखो सबसे पहले डिटेल 1 के बारे में ही बात करें। जहाँ अपना देखो डिटेल में क्या रहता है कि देखो अभी मैं कोई व्हीकल जो है अभी चला रहा हूँ। जहाँ अपना देखो ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है, इसलिए मैं इस पुलिस वाले की जो है व्हीकल चला रहा हूँ। तो GTA 6 में क्या रहने वाला है कि किसी भी तरह के आपको व्हीकल को चुराना है, तो आपको जैसे कि कोई रियल लाइफ में कोई अपनी गाड़ी की व्हीकल की चोरी करके जाता है, तो उसके पास जो है चोरों के पास टूल रहते हैं अपने हिसाब से। चोर जो भी रहते हैं उनके पास मतलब एक चाबी रहती है या फिर कोई लॉक तोड़ने का जो है मतलब टूल रहते हैं बहुत सारे, तो वो भी आपको GTA 6 में चाहिए रहेंगे, तभी आप जो है गाड़ी को मतलब जो है चुरा पाओगे। टूल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खोला या फिर दरवाज़ा तोड़ा तो आपने जो है व्हीकल को चुरा लिया, ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। और जैसे आपने टूल इस्तेमाल करके व्हीकल को चुरा भी लिया ना, तब भी आप जो है मतलब बच नहीं सकते, इतना बड़ा केस हो जाएगा अगर आपका किसी ने वीडियो भी बना लिया। GTA 6 में जो है आपको पता ही रहेगा इंटरनेट जो है आने वाला है, मतलब इंटरनेट की जो है बहुत ही बड़ी रोल होने वाला है इंटरनेट का। जहाँ अपना देखो बहुत सारे लोग बच्चे भी जो है छोटे छोटे वो भी मतलब रील बनाते हुए आपको देखने को मिलेंगे GTA 6 में। मतलब किसी ने भी आपको वीडियो बना लिया तो आप बच नहीं सकते पुलिस के नज़रों से, मतलब गिरफ्तार हो जाओगे आपने किसी भी व्हीकल चुरा ली। और साथ में ना देखो क्राइम की बात करें, क्राइम में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब कि किसी भी हमारे GTA की गेम को ले लीजिए, 5 स्टार जो बहुत बड़ा केस होता है, और 5 स्टार में जो कहीं ना कहीं आपको पुलिस वाले जो मार देते हैं या फिर पकड़ लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। बट जैसे GTA 6 में जो 5 स्टार लगते हैं, तो मतलब 5 स्टार नहीं 1 स्टार अभी लग गया ना, तो घर में घुस के आपको मतलब जो पकड़ के चले जाएंगे पुलिस वाले, वैसा वाला सीन रहने वाला है। तो अपने हिसाब से ध्यान से क्राइम भी नहीं करना है, और क्राइम तो करना है बट छुप छुप के करना है। GTA 6 जो है एक क्राइम वाली गेम रहने वाली है, जो कि बहुत सारी GTA की गेम रहती है वैसे ही, बट आपको ना उसमें बच के रहना है अपने हिसाब से। तो जैसे कि आप GTA 6 का जो ये स्क्रीन शॉट है, जहाँ अपना देखो क्राइम करते हो, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उसका वीडियो बन रहा है, और वीडियो बनने के बाद जो क्या होगा वो आप सभी को पता है कि देखो रियल लाइफ में जो वीडियो कोई अपनी बना लेता है, अगर कोई भी क्राइम करता है उसकी वीडियो बना लेता है, तो तुरंत जो है पुलिस एक्शन लेती है, वैसा वाला है GTA 6 में जो है वो गेम रहने वाला। और देखो इसमें बहुत सारी हिडन डिटेल रहेगी GTA 6 में, जैसे ही GTA 6 आती है तो इसके बहुत सारे ऐसे डिटेल रहेंगे जो कि एक से एक डिटेल जो है आप कहीं पर पैर भी रखोगे ना, उसकी भी एक डिटेलिंग वीडियो बनने वाली है। तो अपने हिसाब से जो है ऑसम बनने वाला है GTA 6। GTA 6 के कंटेंट और वीडियो देखने हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो विपुल गेमर्स, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन को ऑल पे रख देना, और वीडियो को लाइक करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो अगर आप GTA 6 के फैन हो तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैंने आपको वीडियो को लाइक करने को बोला है तो। और देखो मैं मिलता हूँ किसी के नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।